आज इस वीडियो में आपको लाइन ड्रॉ करने के दो नए मेथड बताऊंगा जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एल एंटर टाइप करना है जिससे आप लाइन कमांड में एंटर हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर ड्राइंग में देख रहे हैं, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 0.0 टाइप करेंगे और एंटर। तो देखिए हम ओरिजिन से कनेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए UCS आइकन जो है वहाँ से 0.0 से हम हमारी लाइन कनेक्ट हो चुकी है। अब जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो 10 है। तो इस पॉइंट के जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0.0 होंगे। तो यहाँ पर आप 10.0 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड में एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आप कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करेंगे वो सभी ओरिजिन से आप उनको मेज़र करेंगे, तो उनकी सभी डिस्टेंस जो होंगी वो ओरिजिन से ही मेज़र होंगी। तो ये 10 है, तो यहाँ पर ये जो इस पॉइंट वाला पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 10 और ये वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो 10.5 यहाँ पर हम 10.5 टाइप करेंगे, एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर जो ओरिजिन से इसकी एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो 5 है और वाई डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है वो भी 5 है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 5.5, एंटर। तो देखिए ये पॉइंट हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब आप थोड़ा ऊपर इस पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हो गया 5 है ओरिजिन से और वाई डायरेक्शन 7, देखिए ये 7 है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5.7, एंटर। अब ये जो वाला पॉइंट है यहाँ से एक्स की जो डिस्टेंस है वो 2 है, आप देख सकते हैं दिस इज 2 इस पॉइंट की, और वाई डायरेक्शन में 7 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2.7 हो जाएंगे, 0.7, एंटर। अब आप इस पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो एक्स डिस्टेंस है वो 2 है और वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2.3 हो जाएंगे। और अब आपको यहाँ पर आना है इस पॉइंट पर, यहाँ पर 0.3 होंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं है, 0.3, एंटर। अब आपको ओरिजिन से मैच कराना है तो आप 0.0 टाइप करेंगे, 0.0, एंटर। तो ये यहाँ पर इसके ओरिजिन से मिल जाएगा। अब कमांड से बाहर जाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस टाइप से आप ये इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स मेथड का यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो सारी डिस्टेंस आपको यहाँ से ओरिजिन से ही मेज़र करनी होगी। तो यहाँ पर ये जो गलती से लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेट्स, इसको आप चेंज कर दीजिए, दिस इज 2.3। अब मैं आपको रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड के बारे में बताता हूँ, इसके थ्रू भी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एल एंटर टाइप करूँगा और जो ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पर 0.0 ही होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, यहाँ पर आपको एट द रेट पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको डिस्टेंस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, उसके बाद आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एल एंटर, आपको यहाँ पर 0.0 पर एक लाइन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम 0.0 कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। अब ये देखिए 0.0 से ये अटैच हो चुकी है लाइन। अब आपको एक्स डायरेक्शन में जाना है तो 10 एट द रेट का यूज़ करेंगे हम इस मेथड में, तो एट द रेट 10.0, एंटर। अब हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसके लिए एट द रेट 0.5, एंटर। आपको इस मेथड में ध्यान देना है कि इसमें जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगी। तो इस रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड में आपको अगर आप एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको वाई को 0 रखना है, और अगर आप वाई डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक्स को 0 रखेंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप उसको माइनस लेंगे, और बोट नीचे जाएंगे तो तब भी आप माइनस सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया तो हम यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने एक्स को 0 कर दिया। अब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर एट द रेट -5, बिकॉज हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो -5 और कोमा, और यहाँ पर हम वाई डायरेक्शन में 0 सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आपको वाई डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ पर
x की वैल्यू 0 रखेंगे एट द रेट 2 यहाँ पर 0,2 एंटर। और दोबारा हम यहाँ पर रहेंगे तो एट द रेट -3,0 और यहाँ पर आने के लिए एट द रेट इस पॉइंट पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने चले कितने डिस्टेंस है 4 है तो आपको यहाँ पर आने के लिए और y डायरेक्शन में आप 4 चले हैं तो इसका मतलब एट द रेट 0,-4 एंटर। अब एट द रेट -2,0 एंटर और यहाँ से आप इसको 0,0 टाइप करेंगे एंटर। तो इस टाइप से आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सही कर लेंगे पहले इसे 0,-4 ओके। तो अब इस मेथड का यूज़ भी करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।